नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको जो डिमरी एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो काफ़ी सारे गानों में यूज़ होता है, तो उसको हम कैसे उसकी साउंड ढोलक पे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको छपकी बजाना का थोड़ा अंदाज़ बताया था, तो आप देखिए कैसे बजता है। इससे रिलेटेड एक दो पैटर्न मैं आपको बताऊँगा, बायां कैसे यूज़ होता है इसमें वो भी आपको थोड़ा बताता हूँ। देखिए से भी इसको हम बजा सकते हैं, कुछ बाएं भी ऐड कर सकते हैं। पहले मैं इसको आपको स्लो करके बताता हूं, देखिए ऐसे दबाना है इसको, ये ऐसे। अब धीरे धीरे इसका टेम्पो बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ सकती है, बट इसको आप कंफर्टेबल टेम्पो में बजाइए लय में। मैं स्टार्टिंग से आपको थोड़ा स्लो टेम्पो का और बता देता हूँ। और दूसरा वाला जो था ये है, एक इससे आपको बताता हूँ, थोड़ा साउंड आपको समझ आएगा। लंबी जुदा ये गाना था रेशमा जी का, उसमें म्यूजिक में एक डिमड़ी बजी हुई है, तो उसको हम ढोलक पे कैसे बजाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब इसको हम ऐसे ही बजा देते हैं, जो हम नाना ना भी बजा सकते हैं इसमें। इसमें हम कुछ और सब्स्टिट्यूट पैटर्न भी बजा सकते हैं, तो मैं आपको बजा के दिखाता हूं। तो ऐसे भी कर सकते हैं, पर हमेशा पिकअप पैटर्न को सोचते हुए बजाना चाहिए किसी भी। तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको करिए, और एक बारी मैं और तीनों पैटर्न आपको बजा के दिखा देता हूँ। स्लो करके दिखाता हूँ आपको, सेकंड पैटर्न जो है जो पैटर्न बजाया था मैंने वो दिखाता हूँ। इसमें पिकअप बजाएंगे, दोबारा ऐसे भी बजा सकते हो ऐसे भी, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप इसको ट्राई करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, उसके बाद मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए आपको क्या समझ आया है। फिर मैं आपको नई नई चीज़ें बना के और वीडियो आपको डाल के बताऊंगा। नमस्कार।